अयोध्या में वर्षों बाद नवनिर्मित श्री राम मंदिर में श्री राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को निर्धारित किया गया है। इसके पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व को लेकर तैयारियां की जा रही है। अयोध्या से आए अक्षत का गांव-गांव में वितरण किया जा रहा है। इसी के दौरान सोमवार के दिन बागली नगर में भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बागली नगर के प्राचीन व्यासपीठ से प्रारंभ हुई, जो कि पूरे नगर का भ्रमण करते हुए गांधी चौक पहुंची। इस दौरान यात्रा में बागली तहसील क्षेत्र के लगभग 84 गांव के ग्रामीण यात्रा में सम्मिलित हुए। पूरा बागली नगर भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज उठा और पूरा भगवानमय हो गया। यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश रख कर चल रही थी, तो वहीं युवा हाथों में भगवा ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे लगाते चल रहे थे। हम आपको बता दें कि यात्रा में चंपा बाग व्यायामशाला अखाड़ा के कलाकार भी आगे आगे चलते हुए अपने कर्तव्य दिखा रहे थे। इस दौरान जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रा में विभाग सह समरसता प्रमुख कन्हैया लाल विश्वकर्मा, अखंड कारवाह धर्मेंद्र सिंह सैंदव, हरिओम दास बांसवाड़ा, विधायक मुरली भवरा, पंडित कनिष्क त्रिवेदी एवं सभी कार सेवक उपस्थित रहे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि पर 22 जनवरी 2024 को जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा उत्सव होने जा रहा है, उसी के निमित्त जो अक्षत कलश आए हैं अयोध्या से, उन अक्षत कलशों का वितरण बागली खंड के 84 गाँव में यहाँ से किया गया और उसी लिए ये कलश यात्रा पूरे नगर में निकाली गई। और उसके बाद में यहाँ जो 84 गांव हैं बागली खंड के, उन खंडों तक कलश यहाँ से भिजवाए गए। इसके बाद ये कलश गांव के राम मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर गांव के लोगों के द्वारा पूजन अर्चन होगा। उसके पश्चात हर घर पर जो वहाँ से अक्षत आए हैं अयोध्या से, उनका वितरण होगा। साथ में एक चित्र का भी वितरण होगा और 22 जनवरी के दिन जो मुख्य कार्यक्रम होगा अपने गाँव में, हर गांव अयोध्या जो बनने वाला है, हर मंदिर सजेगा, हर घर पर भगवा ध्वज लगेंगे, रंगोली बनेगी, घर घर दीपक जलेंगे, इस प्रकार का आह्वान पीले चावल देकर किया जाएगा। साथ ही भविष्य में जब भी समय मिले अयोध्या में भी परिवार सहित लोग दर्शन करने जाए, उसके लिए ये निमंत्रण है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।